हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं अरुण चौधरी और आप देख रहे हैं एसी स्टडी पॉइंट। तो बच्चों, आज क्लास में हम करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 8 मैथ्स के चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल के एक नई एक्सरसाइज 3.4। ओके, हमने इससे पहले एक्सरसाइज 3.3 के सारे नंबर्स कर लिए थे और आज हम नया एक्सरसाइज 3.4 लेकर के आए हैं। ठीक है, तो आज हम सारे एक्सरसाइज के जितने भी नंबर्स है सारा सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, क्लास स्टार्ट करने से पहले आपसे फिर से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं या अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, क्योंकि ताकि आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर भी करते रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 3.4। सबसे पहला क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स से स्टार्ट हुआ बच्चों। तो देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा मैं बेसिक नॉलेज आपको मैं दे देता हूँ ये एक्सरसाइज से पहले। जब हम पढ़ रहे थे क्वाड्रिलैटरल, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल, तब मैंने आपको ट्रापीजियम, काइट और पैरेललोग्राम, ये तीन चीज़ बताया था। और आज जो हम देखेंगे एक स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम के ऊपर डिस्कस करेंगे, जो कि है आपकी एक रॉम्बस, रम्बस भी एक पैरेललोग्राम है, आपकी स्क्वायर ये भी एक पैरेललोग्राम है, और एक रेक्टेंगल ये भी एक पैरेललोग्राम है। ये बस स्क्वायर और रेक्टेंगल के बारे में आप जानते ही हो, और रम्बस को थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे देता हूँ। रम्बस एक ऐसा पैरेललोग्राम है जिसमें कि ऑल साइड्स इक्वल होते हैं, और ये पैरेललोग्राम क्यों है, क्योंकि इनके ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं। तो रम्बस भी एक स्पेशल काइंड ऑफ पैरेललोग्राम है, स्क्वायर भी एक पैरेललोग्राम है। स्क्वायर क्यों पैरेललोग्राम है, क्योंकि इसके भी ऑपोजिट साइड इक्वल है। रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम है, क्योंकि रेक्टेंगल के भी ऑपोजिट साइड्स इक्वल है। तो ये एक अलग-अलग केसेस हैं पैरेललोग्राम के, तो इसमें कोई खास बात नहीं है। आपकी इसमें जो एक चीज आ गया कि पैरेललोग्राम जब हम देखेंगे तो टाइप्स ऑफ पैरेललोग्राम में हम देखेंगे कि स्क्वायर, रेक्टेंगल और रम्बस ये भी एक एक पैरेललोग्राम है, बस इतनी ही सी बात है इसमें। तो इसको बेस करके हम थोड़ा सा हमारे जो एक्सरसाइज है वो देख लेते हैं। यहां पर क्या देखो, ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर, ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर, कभी हो नहीं सकते हैं। आपके रेक्टेंगल स्क्वायर हैं, क्योंकि स्क्वायर में ऑल साइड इक्वल होने चाहिए, लेकिन रेक्टेंगल कभी स्क्वायर नहीं हो सकते, क्योंकि रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं, ऑल साइड इक्वल नहीं है, लेकिन स्क्वायर में ऑल साइड इक्वल होनी चाहिए। तो ये स्टेटमेंट हमारा हो जाता है फॉल्स, ये स्टेटमेंट हो जाता है फॉल्स। ओके, अच्छा, उसके बाद देखिए ये वाला सेकेंड स्टेटमेंट, ऑल रम्बस आर पैरेललोग्राम। ऑल रम्बस पैरेललोग्राम है कि नहीं, हाँ है, क्योंकि रम्बस एक ऐसा फिगर है जिसमें ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं। ऑपोजिट से स्क्वायर भी एक प्रकार के पैरेललोग्राम है, लेकिन रम्बस और स्क्वायर में क्या डिफरेंस है कि स्क्वायर में ऑल जो एंगल्स हैं 90 होते हैं, लेकिन आपके रम्बस में 90 नहीं होते, लेकिन क्या ऑल साइड इक्वल रम्बस के होते हैं। लेकिन और एक चीज क्या है, पैरेललोग्राम की जो कंडीशन होती है कि ऑपोजिट साइड्स क्या पैरेलल होने चाहिए, तो रम्बस में ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं। मतलब कि ऑल रम्बस आर पैरेललोग्राम, यस इट इज ट्रू, स्टेटमेंट ट्रू है, तो हम इसे ट्रू लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके बाद देखिए, ऑल स्क्वायर आर रम्बस एंड ऑल्सो रेक्टेंगल। तो ये देखिए, ऑल स्क्वायर्स आर रम्बस, ऑल स्क्वायर रम्बस हो सकते हैं कि नहीं, हो सकते हैं, क्योंकि रम्बस के लिए क्या ऑल साइड इक्वल होना चाहिए, तो स्क्वायर में ऑल साइड इक्वल होता है तो रम्बस भी हो गए। अच्छा, रेक्टेंगल में क्या होना चाहिए, रेक्टेंगल की कंडीशन ऑपोजिट साइड इक्वल होने चाहिए, तो ऑपोजिट साइड स्क्वायर में भी ऑपोजिट साइड इक्वल होते हैं, ऑल साइड इक्वल हैं, रेक्टेंगल में ऑल साइड इक्वल नहीं है। लेकिन रेक्टेंगल के लिए देखिए, ऑल रेक्टेंगल्स आर नॉट स्क्वायर बट ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल, क्यों, क्योंकि ऑल स्क्वायर रेक्टेंगल इसलिए रेक्टेंगल की कंडीशन है ऑपोजिट साइड इक्वल होनी चाहिए, लेकिन स्क्वायर में ऑल साइड इक्वल है, मतलब ऑपोजिट साइड ऑटोमेटिकली इक्वल है, तो यह भी हमारा ट्रू हो जाता है। अच्छा, उसके बाद देखिए, ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम, ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम, तो ये गलत स्टेटमेंट है। जितने भी स्क्वायर हैं सारे स्क्वायर पैरेललोग्राम हैं, क्यों, क्योंकि जितने भी स्क्वायर हैं सबके ऑपोजिट साइड पैरेलल होंगे तभी जाके स्क्वायर हैं। अगर ऑपोजिट साइड पैरेलल है मतलब पैरेललोग्राम है, तो ऑल स्क्वायर पैरेललोग्राम क्या नहीं होते हैं, मतलब ये गलत स्टेटमेंट होते हैं, ये हो गया आपके फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं, ये इधर देखिए, अब मैंने इस तरह से लिखा है, तो ये चार बिट हो गए, यहाँ पर चार बिट और हम देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, ऑल काइट्स आर रम्बस,
काइट्स के भी रंबस नहीं हो सकते, ऑल काइट्स, काइट रंबस हो सकते हैं लेकिन ऑल काइट, जैसे हम काइट को अगर बनाना चाहें तो हम ऐसे बनाएंगे, देखिए ये काइट है तो ये साइड इक्वल है, ये साइड इक्वल है, ठीक है, मान के चलते हैं कि ये इस तरह की काइट है। तो यहां पर बोल रहा ऑल काइट्स आर रंबस, ऑल काइट ये तो एक काइट है लेकिन क्या ये रंबस है, क्योंकि रंबस में ऑल साइड इक्वल होने चाहिए, यहां पर ऑल साइड इक्वल नहीं है, एडजेसेंट साइड इक्वल है, ये इक्वल है और ये इक्वल है, तो ये जो है काइट कभी भी ऑल काइट रंबस नहीं हो सकते हैं, ठीक है, ये हो गया हमारा फॉल्स स्टेटमेंट। अच्छा ऑल रंबस आर काइट, ऑल रंबस आर काइट, हाँ हो सकते हैं ऑल रंबस, मैंने एक रंबस बनाया, मान लीजिए ये एक रंबस है, ठीक है, इस तरह से एक रंबस है, एज्यूम किया जाए कि ऑल साइड्स इक्वल हैं, इसमें एक रंबस के ऑल साइड इक्वल हैं, तो ये एक रंबस है, तो ऑल रंबस आर काइट, हाँ हो सकता है, क्योंकि काइट में क्या होना चाहिए, एडजेसेंट साइड्स इक्वल होनी चाहिए, एडजेसेंट साइड इक्वल होनी चाहिए, तो ये रंबस है, ये रंबस देखिए काइट हो सकता है क्योंकि इसकी एडजेसेंट साइड इक्वल है, इत्तेफाक से यहां पर ऑल साइड इक्वल है, लेकिन हमारे लिए कंडीशन क्या है कि एडजेसेंट साइड इक्वल होना चाहिए, एक पैर इधर एक पैर इधर, तो रंबस में ऑल साइड इक्वल है मतलब कि एडजेसेंट साइड इक्वल तो होते ही है, तो ये हमारा ट्रू हो जाता है, स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हमारा जी, ऑल पैरेललोग्राम आर ट्रापीजियम, ऑल पैरेललोग्राम आर ट्रापीजियम, तो पैरेललोग्राम की क्या कंडीशन है, ये एक पैरेललोग्राम है, सोच लीजिए ये एक पैरेललोग्राम है, तो यहां पर ऑल पैरेललोग्राम आर ट्रापीजियम, ट्रापीजियम का कंडीशन मैं आपको टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल जब बताया था तो ट्रापीजियम के बारे में आइडिया दिया था, ट्रापीजियम में क्या होते हैं कि वन पेयर पैरेलल होते हैं, तो यहां पर अगर पैरेललोग्राम है, ये पैरेललोग्राम है तो ये ट्रापीजियम हो सकता है कि नहीं, हो सकता है, क्योंकि यहां पर कंडीशन ट्रापीजियम के लिए चाहिए कि एक पेयर पैरेलल होना चाहिए, यहां तो हमारा दोनों पेयर है तो दोनों पेयर से हमें कोई मतलब नहीं है, पर एक पेयर पैरेलल होनी चाहिए, ऑलरेडी एक पेयर पैरेलल, क्या दो पेयर पैरेलल है, मतलब कि पैरेललोग्राम, क्या ऑल पैरेललोग्राम जो होते हैं वो ट्रापीजियम होते हैं, ऑल पैरेललोग्राम ट्रापीजियम होते हैं, ठीक है। अच्छा ऑल स्क्वायर्स आर ट्रापीजियम, स्क्वायर भी, तो मैं अगर स्क्वायर को बनाना चाहूं तो ये मेरे लिए स्क्वायर है, ठीक है, और ट्रापीजियम की कंडीशन क्या है, ऑपोजिट साइड एक एक पेयर पैरेलल होनी चाहिए, ट्रापीजियम में एक पेयर पैरेलल होना चाहिए, तो स्क्वायर में एक पेयर, क्या दो पेयर पैरेलल है, तो ये भी हमारा स्टेटमेंट ट्रू हो जाता है, ठीक है। ऑल स्क्वायर्स आर ट्रापीजियम, यस ऑल स्क्वायर्स आर ट्रापीजियम, क्योंकि ट्रापीजियम की कंडीशन है एक पेयर पैरेलल होनी चाहिए, लेकिन यहां तो दोनों पेयर पैरेलल है तो हमें तो एक से मतलब है, हमारा कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। अच्छा ये इस तरह से हो जाता है, और इसके बाद ये मैं क्लियर कर देता हूं। अच्छा आगे चलते हैं, इसके बाद देखिए हमारी नंबर टू, नंबर टू में क्या है, आइडेंटिफाई ऑल द क्वाड्रिलेटरल्स दैट हैव फोर साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, तो यहां पर मुझे क्या करना होगा, यहां पर आइडेंटिफाई ऐसे आपको ऑल क्वाड्रिलेटरल बतानी होगी जिसमें कि फोर साइड इक्वल लेंथ, क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या है, ऑल साइड्स इक्वल, मैंने क्या दैट क्लोज फिगर मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट एंड फोर लाइन सेगमेंट, ओके एक क्लोज फिगर व्हिच इज मेड अप ऑफ फोर लाइन सेगमेंट दैट इज क्वाड्रिलेटरल, तो एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें कि फोर साइड्स इक्वल होनी चाहिए, क्या क्या हो सकते हैं बताइए, फोर साइड इक्वल होने चाहिए क्वाड्रिलेटरल, तो मैं एक स्क्वायर को लिख सकता हूं, स्क्वायर भी एक क्वाड्रिलेटरल है क्योंकि फोर साइड से बना है, ठीक है, और फोर साइड इक्वल वाले एक क्वाड्रिलेटरल। अच्छा और एक चीज, रंबस भी हो सकता है, रंबस, रंबस भी, हालांकि रंबस में ऑल 90 डिग्री वाला कंडीशन यहां पर नहीं, लेकिन हमको क्वाड्रिलेटरल से मतलब है, क्वाड्रिलेटरल मैंने फोर इक्वल साइड से बना हुआ क्लोज फिगर, तो यहां पर देखिए फोर साइड से बना हुआ क्लोज फिगर होगा और इक्वल लेंथ होगा, तो स्क्वायर में भी फोर साइड से बना हुआ है, इक्वल लेंथ होता है, रंबस भी फोर साइड से बना हुआ क्वाड्रिलेटरल है और इक्वल लेंथ है, तो हो गया हमारा दो एग्जाम्पल। अच्छा उसके बाद बी में देख लेते हैं, फोर राइट एंगल, फोर राइट एंगल, तो फोर राइट एंगल वाले एक क्वाड्रिलेटरल का नाम बताइए, सबसे पहले तो एक स्क्वायर हो ही जाएगा, स्क्वायर होगा क्योंकि यहां पर राइट एंगल, स्क्वायर में क्या होते हैं चारों राइट एंगल होते हैं, साइड की बात नहीं कर रहा यहां पर, आपको एंगल से टेस्ट कर रहा, फोर राइट एंगल, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल बताइए जिसमें कि चारों एंगल 90 होता होगा, तो ये ऑल एंगल्स 90 होते हैं, तो स्क्वायर में भी है, अच्छा रेक्टेंगल में भी होंगे,
रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल भी एक ऐसा क्या क्वाड्रिलेटरल है जिसमें कि ऑल एंगल 90 होते हैं। हालांकि ऑल साइड इक्वल नहीं होता, लेकिन हमें कंडीशन दिया रखा फोर साइड फोर क्या राइट एंगल होनी चाहिए। तो स्क्वायर में भी फोर राइट एंगल है और आपके रेक्टेंगल में भी फोर राइट एंगल है। अच्छा, इसके बाद देख लेते हैं, ये हो गया नंबर वन, नंबर टू। नंबर थ्री की तरफ बढ़ते हैं, एक्सप्लेन हाउ ए स्क्वायर इज, किस तरह से एक स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल है। तो यहां पर इसकी जो आंसर होगी क्या होगी, यहां पर क्वेश्चन देख लीजिए, थोड़ा अच्छे से ध्यान से देखिए बच्चों, यहां थोड़ा लिखने वाली चीज है। यहां पर क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाउ ए स्क्वायर, एक स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल क्यों है। क्वाड्रिलेटरल के लिए कंडीशन क्या है, फोर लाइन सेगमेंट से बना हुआ एक क्लोज फिगर। तो स्क्वायर भी एक फोर लाइन सेगमेंट से बना हुआ क्लोज फिगर है, तो स्क्वायर एक क्वाड्रिलेटरल है। तो हम ये क्या लिख सकते हैं, बिकॉज क्वाड्रिलेटरल बिकॉज बिकॉज इट इज क्या मेड अप ऑफ फोर लाइन सेगमेंट, ठीक है, फोर लाइन सेगमेंट्स, और इट हैज फोर साइड्स भी बोल सकते हैं। इट इज मेड अप ऑफ फोर लाइन सेगमेंट और बिकॉज इट हैज फोर साइड्स, तो एक स्क्वायर के लिए क्या होने चाहिए, यहां पर जो है एक स्क्वायर जो है ये क्वाड्रिलेटरल है। स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल होने के लिए हमें क्या चाहिए, फोर साइड चाहिए। तो ये स्क्वायर में भी फोर साइड होते हैं, बिकॉज इट हैज इट इज मेड अप ऑफ फोर लाइन सेगमेंट और स्क्वायर क्या हैज फोर साइड्स, सो इट इज ऑल्सो क्वाड्रिलेटरल। अच्छा, यहां पर देखिए, स्क्वायर एक पैरेललोग्राम भी है, स्क्वायर जो है एक पैरेललोग्राम है। क्यों, पैरेललोग्राम के लिए कंडीशन क्या चाहिए, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल। तो स्क्वायर में भी ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, बिकॉज इसकी जो आंसर होगी, बिकॉज यहां पर क्या ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल हियर इन स्क्वायर ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ठीक है, आप कैसे भी आंसर बना के लिख सकते हो, कोई जरूरी नहीं कि यही स्टेटमेंट लिखेंगे आप, मतलब इसके रिलेटेड जो है समझ से आप लिख सकते हो अपनी क्या जो भी आपके नॉलेज है उससे, आपकी बेसिक नॉलेज से ये काम कर रही है। तो यहां पर ये सवाल है, एक स्क्वायर पैरेललोग्राम क्यों है। स्क्वायर पैरेललोग्राम इसलिए है क्योंकि पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होनी चाहिए और अपोजिट साइड्स पैरेलल होनी चाहिए। तो यहां पर स्क्वायर जो है पैरेललोग्राम है क्योंकि बिकॉज इट इन स्क्वायर ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। हमें पैरेललोग्राम के लिए कंडीशन चाहिए ऑपोजिट साइड पैरेलल होनी चाहिए, स्क्वायर में भी ऑपोजिट साइड पैरेलल है तो स्क्वायर भी एक पैरेललोग्राम है। उसके बाद आ सकते हैं, स्क्वायर एक रंबस भी है, स्क्वायर इज ए रंबस। व्हाई, क्योंकि यहां पर स्क्वायर इज ए रंबस में क्या होना चाहिए, ऑल साइड्स इक्वल होने चाहिए। स्क्वायर में ऑल साइड्स तो इक्वल है, यहां पर एंगल की बात नहीं की गई है। यहां पर स्क्वायर में क्या होती है, ऑल एंगल 90 होती है, लेकिन रंबस में ऑल एंगल 90 होती नहीं है। लेकिन रंबस के लिए स्क्वायर एक रंबस हो सकता है, लेकिन रंबस एक स्क्वायर नहीं हो सकता क्योंकि रंबस में ऑल 90 डिग्री नहीं होते हैं और स्क्वायर में 90 डिग्री होते हैं। तो ऑल रंबस हमें स्क्वायर नहीं दे सकते, लेकिन ऑल स्क्वायर रंबस हो सकते हैं क्योंकि स्क्वायर की भी ऑल फोर साइड्स होती है और रंबस की भी फोर साइड्स होती है और इक्वल साइड्स होती है। तो क्या लिखेंगे यहां पर, स्क्वायर इज ए रंबस बिकॉज, यहां पर लिख सकते हैं बिकॉज स्क्वायर हैज क्या फोर इक्वल साइड, बिकॉज स्क्वायर हैज फोर इक्वल साइड्स एज रंबस। तो हम स्क्वायर को रंबस क्यों कहेंगे, स्क्वायर भी एक रंबस है। क्यों रंबस है, क्योंकि रंबस में फोर साइड्स इक्वल होनी चाहिए, तो स्क्वायर में भी फोर साइड इक्वल है बिकॉज स्क्वायर हैज फोर इक्वल साइड एज रंबस। ठीक है, स्क्वायर भी एक रंबस है क्योंकि इसकी भी फोर साइड्स इक्वल होती है, रंबस की भी फोर साइड। अच्छा, स्क्वायर भी एक रेक्टेंगल है, स्क्वायर भी एक रेक्टेंगल है। क्यों, देखिए बच्चों, ऑल रेक्टेंगल्स आर नॉट स्क्वायर, ऑल रेक्टेंगल्स आर नॉट स्क्वायर, लेकिन ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल क्योंकि रेक्टेंगल की कंडीशन क्या होती है, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होने चाहिए। तो स्क्वायर में भी तो ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, ऑल साइड्स इक्वल होते हैं लेकिन ऑपोजिट तो इक्वल होते हैं। तो रेक्टेंगल के लिए क्राइटेरिया क्या चाहिए,
ऑल मान क्या ऑपोजिट साइड इक्वल होने चाहिए, तो इसलिए स्क्वायर जो है रेक्टेंगल हो सकता है, लेकिन रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि स्क्वायर के लिए ऑल साइड्स इक्वल होने चाहिए, रेक्टेंगल में ऑल साइड इक्वल ना होकर अपोजिट साइड इक्वल होता। थोड़ा आप देखिए बच्चों कंसेप्ट को क्लियर कीजिए, ठीक है। सवाल है एक्सप्लेन हाउ ए स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल, स्क्वायर भी एक रेक्टेंगल है, क्यों है? क्योंकि रेक्टेंगल होने के लिए ऑपोजिट साइड इक्वल होना चाहिए। तो यहां पर लिख सकते हैं because in square opposite sides are equal as rectangle, okay, एज रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड इक्वल होते हैं, स्क्वायर में भी ऑपोजिट साइड इक्वल होते हैं। ये हालांकि स्क्वायर में ऑल साइड्स इक्वल होते हैं, लेकिन हमें उसे कोई मतलब नहीं है, हमारे ऑपोजिट साइड्स इक्वल होने चाहिए।